दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों अगर ऐसा हो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम हमारा कोई एक ब्रांड खड़ा कर पाए तो इससे बेहतरीन बात कोई और हो नहीं सकती। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में लगभग 1.5 से 2 लाख के अंदर आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली आप मार्केट में उसे लॉन्च भी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेलोटेप बिजनेस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि सेलोटेप बिजनेस में कॉस्टिंग कितनी लगती है, इसमें मटेरियल्स क्या लगता है, इसके लिए कौन सी मशीन्स यूज होती है, इसके लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होती है, इसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कौन सी मशीन्स की आवश्यकता होती है। इसमें आपको दो तरीके की मशीन्स की आवश्यकता होती है। एक होती है कोर कटिंग मशीन, जो आप देखते हो कि जो टेप के अंदर में एक गत्ता होता है, उस गत्ते में वो पूरा टेप लपेटा होता है, तो उस गत्ते को कटिंग करने के लिए जो मशीन होती है उसे कहते हैं कोर कटिंग मशीन। इसमें आप गत्ते को अलग अलग आकार में कट कर सकते हैं। ये जो गत्ता होता है ये जो है मार्केट में 25 रुपये से जो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो इसे खरीदने पर आपको इसमें अलग अलग साइज के जो स्केल्स होती है वो सेट करनी होती है, और वो सेट करने के बाद आप इसे अलग अलग साइज में जैसी भी आपकी ऑर्डर है उसमें आप उसे कट कर सकते हैं। इसमें जो दूसरी मेन मशीन की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं BOPP टेप स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन। ये जो मशीन होती है इसे जो सेलो टेप होता है वो हमें मार्केट से जो रॉ मटेरियल में मिलता है वो मिलता है 100 रुपये से तो 150 रुपये पर केजी के हिसाब से, वो केजी के हिसाब से मिलता है। और हमें जो जो हम पहली मशीन से जो हमारा गत्ता निकालते हैं उस पर हमें ये टेप जो होती है वो रोल करनी होती है, तो ये हम जो दूसरी मशीन है इसके द्वारा उसे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने गत्ते को जिस साइज का कट किया है आपको, देन उसको दूसरे मशीन में डालना होगा, और दूसरे मशीन में डालने के बाद में आपको उसमें भी जो है साइज सेट करना होगा कि आप उसमें जो टेप है उस पर कितना चिपका सकते हैं, और मीटर के हिसाब से आपको वो जो टेप है वो चिपकानी होती है। तो आपका जो परचेसिंग होता है वो किलो के हिसाब से होता है, और आपका जो सेलिंग होता है वो मीटर के हिसाब से होता है। तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 50% से तो 70% तक के आपको इसमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों इन दोनों मशीन्स की जो कॉस्ट होती है वो लगभग आपको 75,000 से 1,00,000 के आसपास होती है, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े एरिया की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप घर की ही इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज कर सकते हैं या कमर्शियल कनेक्शन भी आप ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आपको इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको उद्योग आधार जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करना होगा, उसके बाद में आपको जो GST नंबर है वो लेना होता है, बिजनेस के नाम से वो लेना होगा। अब हम बात करेंगे इसके ब्रांडिंग के बारे में। दोस्तों इतना अच्छा टेप आप जब बना रहे हैं तो उसे किसी न किसी अच्छे डिज़ाइनर के पास आप दीजिए, और आपका खुद की कंपनी का एक बहुत ही अच्छा आप लोगो बनाइए। उस लोगो बनाने के बाद में जो उसकी पैकिंग होती है उसे आप टेप के ऊपर चिपकाइए। जब आपका ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिखेगा तो वो उतने ही अच्छे तरीके से बिकेगा। आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी आपका नाम उतना अच्छा होगा, और आपका नाम उतना अच्छे तरीके से बाहर मार्केट में प्रोफेशनल वे से जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी पैकेजिंग पे सबसे अच्छा ध्यान दीजिए,
और पैकेजिंग के बारे में आप इसकी कीमत है, इसके ऊपर जो सभी चीज़ें लिखी होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों मार्केटिंग की जो प्रोसेस होती है इस बिजनेस में, जब आप खुद का एक ब्रांड खड़ा करते हैं, जब आपको खुद का प्रोडक्ट बेचना होता है, तो आपको अलग अलग तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी होगी। लोकल लेवल पर तो आप इसे पेपर ऐड कर सकते हैं, इसके होर्डिंग्स लगा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेल्समैन भी रखने होंगे, जो शॉप में जा करके, किराना शॉप है, उसके बाद में जो कटलरी के शॉप्स है, जो स्कूल के शॉप्स है जहाँ पे बुक्स मिलती है, वो रिटेलर शॉप्स में आपके जो जो सेल्समैन है वो वहां पर होलसेल रेट में आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है, आप आपका जो प्रोडक्ट है उसे IndiaMART.com पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि अगर आपका प्रोडक्ट का रिटेलरशिप अगर किसी को लेना है अदर सिटी में, तो वो भी आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आपको इस तरह से मल्टीपल मार्केटिंग भी इसमें करनी होगी और इस तरह से आप आपका खुद का एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरे ऑल ओवर बिजनेस में आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो मार्केटिंग है, वही सबसे ज्यादा काम आएगी। तो इस बिजनेस के बारे में दोस्तों ये था एक बेसिक आइडिया। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया हमेशा लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक